कोरोना से लड़ने के लिए महावैक्सीनेशन अभियान के दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को टीकाकरण के लिए शपथ दिलवाई और कहा कांग्रेस के नेता नामदार हैं और बीजेपी के नेता कामदार हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए ग्वालियर में भी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। ग्वालियर में 300 केंद्रों पर सोमवार को 72,500 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को टीकाकरण के लिए शपथ दिलवाई और कहा कांग्रेस के नेता नामदार और बीजेपी के नेता कामदार हैं। इस दौरान सिंधिया और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले हजीरा अस्पताल और इसके बाद मुरार अस्पताल में पहुंचे। यहां पर न केवल टीकाकरण का जायजा लिया बल्कि लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। सिंधिया ने लोगों को टीकाकरण के लिए शपथ भी दिलवाई। आज के दिवस तो जनसेवा के लिए समर्पित करो। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, कांग्रेस को और कुछ नहीं दिखता। जब महामारी पूरे विश्व में और देश में भी फैल रही है, चाहे प्रादेशिक स्तर हो, चाहे ग्वालियर के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, केवल राजनीति करनी है। कोई कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कोई कहते हैं कि टीका में कुछ चीज़ का मांस है, कोई कहते हैं कि टीका मत लगाओ। और जो लोग ये कहते थे वो आज स्वयं टीका के लिए भाग रहे हैं। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, अगर इतनी रुचि है तो शायद कांग्रेस को ही अपना नाम पहला बदलना होगा, अपने आप को जनता के मन में और दिल में दोबारा उभारने के लिए। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की शक्ल है नामदारों की और बीजेपी की शक्ल है कामदारों की। यहाँ से जो मरीज भर्ती हुए हैं, मैक्सिमम मरीज यहीं से ठीक होकर के अपने ऊपर वाले हाई हॉस्पिटल में जाने के लिए जरूरत पड़ी है, जहाँ के डॉक्टर और सर्जरी और लगभग 500 लोग वैक्सीनेशन यहाँ कराते हैं पर डे। आपकी मंशा के अनुरूप माननीय सिंधिया विचार मंच के लोग, हमारे स्वयं सेवक संघ के लोग यहाँ पे खड़े होकर भी लोगों ने सेवा की है। संगीत की स्वर लहरियों से, सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।